कैसे हो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और ठंडा ठंडा पानी पिलवाते हैं तुम्हें। हमारे पाना छोटा तमाम से मिले आपको भी चल गया है और बाहर वाला हमारा समर से भी चल गया है। और ये एलईडी है, इसे भी चला कर दिखाऊंगा, ये भी चल जाएगी। तो बैठे ये सिस्टम इन्वर्टर वाला, और ये देखो लाइट जलेगी, समर से चल गया तो बंद कर दिया। बिना लाइट के सिर्फ धूप से, और ये दो बैटरी है, सोलर पैनल सिस्टम है, उसी से मेरा समर्थन ही चल गया। पंखा भी लाइट की बहुत अच्छी बचत है। लोग यकीन नहीं करते कि आप बिना लाइट के ये दो बैटरियों से समर्थन भी चल जाएगा। अगर किसी को बताएं क्या बिना लाइट के बस इन्वर्टर से बैटरियों से समर्थन भी चल जाए तो यकीन नहीं कर पाता कोई। लेकिन मैं आपको बिल्कुल आपको देखिए खुद दिखा रही हूँ। वो बैठे हैं मेरे इन्वर्टर है ये वाला, इनसे समर्थन भी चलेगा मेरा। और चला कर मैंने दिखाया है, वो फिर भी चला कर दिखा सकता हूँ दोबारा। पर पंखा चल रहा है, अब दिखाएंगे मैं अंदर दिखाता हूँ ये सिस्टम, ये बैटरी चार्ज कैसे हो रहे हैं, कैसे चल रहा है। ऐसे बैटरी रखी है, ऐसे कोई चार्ज नहीं हो रहे, लाइट भी नहीं है, ये चार्ज कैसे हो रहे हैं बैटरी। अब मैं आइए दिखाता हूँ, लाइट से बहुत बढ़िया सिस्टम है। ये जनरेटर नीचे है, कभी आप समझ रहे हो जनरेटर चल रहा है, जनरेटर चला के और समर से भी चला के दिखा दिए। जनरेटर की चल रही है, देख सकते हो आप, जनरेटर भी बंद है। आओ पर आओ भाई, यार शाम के टाइम मौसम कितना अच्छा हो रहा है अभी। ये देख सकते हो शाम के 6 बजे हैं, लेकिन धूप अभी निकल रही है, हल्की है धूप, ज्यादा इतनी तेज भी नहीं है। इतनी तेज हो गया था, बहुत तेज चार्ज हो रहा होगा बैटरा। ये देख सकते हो ये सिस्टम, इस सिस्टम का छोटे जैसे समरसेबल चलता है मेरा। रोज जैसे धूप धूप बिल्कुल बंद हो जाएगी, बिल्कुल सूरज नहीं रहेगा, अंधेरा हो जाएगा, फिर भी मैं 3 या 4 घंटे ये समरसेबल चलता है। क्योंकि एक बार गर्म होने के बाद, जब एक बार ये पूरी गर्म हो गई, पूरी हीट हो गई, ये वाली प्लेटें ये यूनिवर्सल प्लेटें हैं, तो ये 25% करंट ठंडे मौसम में भी निकालेंगी। 25% करंट ये है इसमें सिस्टम। इससे समरसेबल और 8-7 पंखे पूरे इसमें, लाइट है, कैमरा 8-9 कैमरे हैं, कैमरे चलेंगे, 8-7 लाइटें हैं, लाइटें जलेंगी रात में। पंखा तो रात में नहीं चलेगा क्योंकि मैं रहता नहीं हूँ रात में, लेकिन लाइटें जलेंगी, LCD चलेगी मेरी कैमरा वाली। और समरसेबल भी नहीं चल पाता, लेकिन अगर मैंने चला कर देखा है ठंडे मौसम में भी और रात में भी 3 घंटे लगातार चल जाता है बस इनको छोटे से सिस्टम। इसी से समरसेबल पूरी लाइट की बहुत अच्छी बचत, पूरा आनंद आता है। लाइट होती है, लाइट का गांव में लाइट की सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है गांव में, क्या थोड़ी सी बूंदें आई, थोड़ी सी हवा चली और लाइट कट गई, बोले गांव के साले पागल हैं, तार टूट गए होंगे, ये सोच लगे तार नहीं टूटते हैं, थोड़ी सी बूंदें आई तो लाइट काट गए बिल्कुल, गाँव के ये सोच लगने का बूंदें आ गई, बारिश पड़ गई, तार टूट गए। तो दोस्तों एक चीज़ और बताऊँ मैं तुम्हें, अब के इस बार हम किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये देखो फसल, देखो ईख की फसल, ये गन्ना है, इसमें क्या है, कुछ नहीं रहा, गन्ना की फसल, पूरी फसल गन्ना की बर्बाद हो गई, बीमारी इतनी आ गई, क्या जितना बीज बुवाई जुताई खुदाई खाद पूरी लागत अगर एक तरफ को निकाले ना तो घर से देने पड़ेंगे। ईख की तो फसल पूरी बर्बाद हो ही गई। ईख तो देखो ये देख सकते हो ये है, और भी मैं तुम्हें जाके दिखाऊंगा कल को दिन में, कल 1 किलो जो है ना ये ईख की ईख और जो धान का जो नुकसान है उसके बारे में कल को एक वीडियो डालूंगा, पूरी उसी की जानकारी दूंगा पूरी। और धान है, धानों की ऐसी मिट्टी कटी है अब कर, क्या धान तो 1 बीघा में 2 क्विंटल के धान निकल रहे हैं, यानी
2300-2400-2500 को मान लो, 2500 को बिक गए तो 5000 रुपए के बिक गए, और जबकि 6-7000 रुपए की लागत धानों में आ चुकी है। ये स्थिति है किसान की, 8-7000 रुपए की एक बीघे में लागत आ चुकी है और 2 क्विंटल बीघा के धान निकल रहे हैं, उसमें 2500 से ज्यादा 2500 को बिकना रहे, लेकिन 2500 के मान लो ज्यादा से ज्यादा एक महीने बाद 2500 को हो जाए, आप तो फिलहाल में जो 2200-2300 तक जा रहे हैं, 2500 से मान लो तो 4-5000 रुपए के धान निकल रहे हैं और 6-7000 रुपए की लागत आ चुकी है। घर से जो घर की थोड़ी बहुत जमा पूंजी रखी हुई कुछ नहीं वो और देखे जब जाकर छुटेंगे। बारिश का मौसम रोज हो रहा है, बारिश पड़ गई तो गई किसान की ऐसी पकी फसल है धान, या तो धान कटे भी ना अभी। इन 2 लैटरों से यार इतना बढ़िया सिस्टम लगा मुझे, आप भी अगर लाइट की बचत चाहते हो जैसे शहरों में, गांव में तो गांव में भी सही काम करेगा, शहर में तो भाई मेरे हिसाब से तो शहर के मतलब से बहुत अच्छा है, शहर के मतलब से तो शहर में तो पूरे लाइट सही है, बिजली का शहर में तो बिजली का बिल भी ज्यादा आता है, गाँव में तो कम है, शहर में बहुत ज्यादा है बिजली का बिल, लेकिन शहर में समर से भी चलाने का खर्चा कम है, गाँव में ज्यादा है, ऐसे उसे भी लगानी पड़ेगी, वो वैसे भी फालतू में चलाना चलाते रहे बालक बच्चे, शहर के हिसाब से बहुत बढ़िया है, मुझे तो बहुत अच्छा है सिस्टम, अच्छा लगा ये लाइट से, लाइट की बचत है, और गर्मी हो गर्मी में लाइट ना आ रही दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत ना, जब मनवा जब पंखा चलाओ चलाओ समर से भी चलाओ, आराम से। कल मिलते हैं अगली वीडियो में।